नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर बलिया से है। रसड़ कला के मूल निवासी जिला सुल्तानपुर जल जीवन मिशन जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियंता संतोष कुमार गुण हत्याकांड 17 अगस्त 2024 की उच्च स्तरीय जाँच माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI से कराने, हत्यारों को फांसी की सजा देने, पीड़ित परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा देने व किसी सदस्य को Grade 2 सरकारी नौकरी देने तथा परिवार की सुरक्षा की गारंटी देने की मांग को लेकर 27 अगस्त 2024 को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में बलिया रेलवे स्टेशन से जिलाधिकारी कार्यालय तक न्याय मार्ग निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया गया तथा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लचकार के हाथों में सौंपा गया। इस अवसर पर उपस्थित हत्या मृतक अधिशासी अभियंता संतोष कुमार गोंड के छोटे भाई संजय गोंड, निर्लेश कुमार गोंड व रवि कुमार गोंड ने संयुक्त रूप से कहा कि 15 अगस्त की सायं को बड़े भाई अधिशासी अभियंता संतोष कुमार गोंड से हमारी बात फोन पर हुई थी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में निजी कंपनियां बिना सही काम कराए ही भुगतान का दबाव बना रही है, जिसमें संविदा सहायक अभियंता अमित कुमार भी सम्मिलित है। जल जीवन मिशन में मानक के अनुसार सही काम न करने वाली इन निजी कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए 250 पेज का चार्जशीट तैयार किया जा रहा है। आगे बताया कि मुख्य अभियुक्त संविदा सहायक अभियंता अमित कुमार के आपराधिक व्यवहार के खिलाफ व इसे हटाने के लिए अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ को भी गोपनीय पत्र लिखे थे, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया, न ही समय रहते कोई कार्रवाई की गई। इसलिए ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय की निगरानी में उच्च स्तरीय जाँच CBI से कराई जानी चाहिए, तभी इस हत्याकांड में संलिप्त सभी लोगों का पर्दाफाश होगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरविंद गोंडवाना ने कहा कि आदिवासी जनजाति समुदाय के एक गरीब परिवार से अपनी शिक्षा के बल पर अधिशासी अभियंता के पद तक पहुंचने वाले संतोष कुमार गोंड की निर्मम हत्या हो जाती है और इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री जी और न ही भाजपा योगी सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री ही कुछ बोले। कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी स्वच्छ पेयजल योजना भ्रष्टाचार लूट घोटाले भी की भेंट चढ़ गई है। गांव-गांव में स्वच्छ जल हेतु जो पानी की टंकी बनी है वो मात्र 100 पीस बनकर रह गई है। निजी कंपनियों द्वारा वाटर सप्लाई पाइप में बड़े पैमाने पर घोटाला भ्रष्टाचार किया गया है। मानक के विपरीत घटिया पाइप लगाया गया है। अधिकांश गांव में कहीं भी पानी नहीं आता। अधिशासी अभियंता संतोष कुमार गोड़ एक नेक ईमानदार अधिकारी थे जो मानक के अनुसार सही कार्य कराना चाहते थे, जो कि कंपनियों निजी कंपनियों के साजिश के शिकार हो गए, जल जीवन मिशन के सहज शहीद बन गए हैं। इस प्रकरण पर भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार की चुप्पी हर घर नल और जल में जल योजना पर सवाल खड़ा करता है। आगे कहा कि अधिशासी अभियंता संतोष कुमार गोंड हत्याकांड की जांच CBI से कराने की मांग को लेकर आंदोलन सुल्तानपुर से लगाया लखनऊ व दिल्ली तक लगातार जारी रहेगा। न्याय मार्च आंदोलन में प्रमुख रूप से हत्या मृतक अधिशासी अभियंता संतोष कुमार गोंड के तीनों छोटे भाई संजय गोंड, निलेश कुमार गोंड, रवि गोंड के अलावा गोंडवाला गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी गण मनोज सर, जिलाध्यक्ष सुमेर गोंड, प्रदेश महासचिव परशुराम खरवार, सुरेश शाह, रामानंद गोंड, विशाल गोंड, अभिषेक गोंड, शिवशंकर खरवार, सोनू गोंड, कन्हैया गोंड, रोहित कुमार, छोटू पाल, विष्णु ओझा, छायपाल, अखिलेश गोंड, अनिल गोंड, मनीष गोंड, गोपाल, राजेंद्र गोंड, गुड्डू गोंड, सुचित गोंड, ओम प्रकाश गोंड आज दौर मौजूद रहे। संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। जीवन मिशन से जुड़े ये अधिशासी अभियंता संतोष कुमार गोंड जी की 17 अगस्त 2024 की सुबह घर में घुस के हत्यारों द्वारा बड़े ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी जाती है और वो चूंकि जल जीवन मिशन जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियंता के पद पर थे और ये जो निजी कंपनियां हैं और उसमें जो संविदा पे तैनात सहायक अभियंता हैं गलत काम कराने फर्जी भुगतान का दबाव बना रहे और वो ईमानदार अफसर थे, ईमानदार इंजीनियर थे जो सरकार की मंशा के अनुरूप मानक के अनुरूप काम चाहते थे और उन्होंने फर्जी बिल और भुगतान करने से मना कर दिया और जिसका नतीजा यह हुआ कि उनकी निर्मम तरीके से हत्या हो गई। वो जल जीवन मिशन के अमर शहीद बन गए। तो हम लोग आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग बलिया रेलवे स्टेशन से न्याय मार्च निकाल करके यहाँ बलिया कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं
और जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस आशय का ज्ञापन प्रेषित किए हैं कि अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण संतोष कुमार गोंड हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए, ताकि इस हत्याकांड में षड्यंत्र रचने में कौन कौन लोग दोषी हैं उनका पर्दाफाश हो, दूसरा उनको हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। और हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। चलिए हो जाता है, उसको फिर जोड़ देंगे, काट देंगे। चलिए, हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा और पीड़ित परिवार के किसी सदस्य को ग्रेड 2 सरकारी नौकरी दी जाए और इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए उच्च स्तरीय जांच तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को की जानी करनी चाहिए कि जल जीवन मिशन में जनता को जिस तरह से ये इतना अच्छा योजना चलाया जा रहा है और इसको कौन डकार जाना चाहता है, कौन लूट लेना चाहता है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो आंदोलन के क्रम में हम लोग बलिया जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करने का काम किए। अब आंदोलन के अगले क्रम में सुल्तानपुर में भी जा करके प्रदर्शन करेंगे और सुल्तानपुर जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग पत्रक देने का काम करेंगे कि इनकी सीबीआई जांच हो। और ऐसा भी संज्ञान में आया है कि उसी सुल्तानपुर जिले में और अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात पूर्व में भी किसी अधिकारी के साथ ऐसी ही निर्मम घटना हो गई है, उनकी भी हत्या हुई थी और ये दोबारा दूसरी घटना है। और ये सिस्टम और प्रशासन अधिशासी अभियंता लोगों की सुरक्षा गार्ड क्यों नहीं मुहैया कराया जाता है, तो उनको सुरक्षा गार्ड भी मुहैया कराया जाना चाहिए था। उन्होंने जो प्राइवेट निजी कंपनियां हैं और संविदा पे जो तैनात सहायक अभियंता अमित कुमार, जिनके आपराधिक व्यवहार अनुशासनहीनता के खिलाफ जल जीवन मिशन के अधीक्षक निदेशक लखनऊ को भी पत्र लिख करके ये सूचित करने का काम किए थे कि इनको तत्काल हटाया जाए, अगर समय रहते संज्ञान लिया गया होता तो अधिशासी अभियंता संतोष कुमार गोंड जी आज हम लोगों के बीच में रहते। तो ये भी जांच का विषय है। और ऐसा भी FIR को पढ़ने के बाद संज्ञान में आया है कि अधिशासी अभियंता संतोष कुमार गोंड जी ये निजी कंपनियां जो लूट खसोट में मशगूल हैं उनके खिलाफ 250 पेज का चार्जशीट तैयार कर रहे थे, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में ये मामला क्या है। तो मेरे समझ से ऐसा लगता है कि उनकी हत्या के पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, साजिश है, और इसका पर्दाफाश सीबीआई जांच के माध्यम से भी हो सकता है, इसलिए सीबीआई जांच जरूर हो। और हम लोग सुल्तानपुर में भी प्रदर्शन करने का काम करेंगे और लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन करेंगे कि सीबीआई जांच हो, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। और आंदोलन के अगले क्रम में नई दिल्ली जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन करके हम लोग सीबीआई जांच कराकर रहेंगे, उच्च स्तरीय जांच कराकर रहेंगे। जरूरत पड़ेगा तो इसके लिए ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह हम लोग इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग अपने संवैधानिक बातों को आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं। और आपके साथ ही यह भी अपील करना चाहते हैं कि संतोष कुमार गोंड जी एक अधिशासी अभियंता थे और ये अभियंता संवर्ग उनको भी इस बात को उठाना चाहिए, सिर्फ शोक संवेदना व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा, ये इंजीनियर एसोसिएशन को भी
सड़क पर उतरना होगा और संतोष कुमार जी के परिजनों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। धन्यवाद। आप अपना परिचय देते हुए क्या मेरा नाम रवि कुमार है। मैं इंजीनियर संतोष कुमार जी का सबसे छोटा भाई हूँ। आज हम लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को मांग है कि पीड़ित परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा और पीड़ित परिवार के किसी सदस्य को ग्रेड 2 सरकारी नौकरी दी जाए और इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए उच्च स्तरीय जांच तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को की जानी करनी चाहिए कि जल जीवन मिशन में जनता को जिस तरह से ये इतना अच्छा योजना चलाया जा रहा है और इसको कौन डकार जाना चाहता है, कौन लूट लेना चाहता है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो आंदोलन के क्रम में हम लोग बलिया जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करने का काम किए। अब आंदोलन के अगले क्रम में सुल्तानपुर में भी जा करके प्रदर्शन करेंगे और सुल्तानपुर जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग पत्रक देने का काम करेंगे कि इनकी CBI जांच हो। और ऐसा भी संज्ञान में आया है कि उसी सुल्तानपुर जिले में और अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात पूर्व में भी किसी अधिकारी के साथ ऐसी ही निर्मम घटना हो गई है, उनकी भी हत्या हुई थी और ये दोबारा दूसरी घटना है। और ये सिस्टम और प्रशासन अधिशासी अभियंता लोगों की सुरक्षा गार्ड क्यों नहीं मुहैया कराया जाता है, तो उनको सुरक्षा गार्ड भी मुहैया कराया जाना चाहिए था। उन्होंने जो प्राइवेट निजी कंपनियां हैं और संविदा पे जो तैनात सहायक अभियंता अमित कुमार, जिनके आपराधिक व्यवहार अनुशासनहीनता के खिलाफ जल जीवन मिशन के अधीक्षक निदेशक लखनऊ को भी पत्र लिख करके ये सूचित करने का काम किए थे कि इनको तत्काल हटाया जाए, अगर समय रहते संज्ञान लिया गया होता तो अधिशासी अभियंता संतोष कुमार गोंड जी आज हम लोगों के बीच में रहते। तो ये भी जांच का विषय है। और ऐसा भी FIR को पढ़ने के बाद संज्ञान में आया है कि अधिशासी अभियंता संतोष कुमार गोंड जी ये निजी कंपनियां जो लूट खसोट में मशगूल हैं उनके खिलाफ 250 पेज का चार्जशीट तैयार कर रहे थे, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में ये मामला क्या है। तो मेरे समझ से ऐसा लगता है कि उनकी हत्या के पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, साजिश है और इसका पर्दाफाश CBI जांच के माध्यम से भी हो सकता है, इसलिए CBI जांच जरूर हो। और हम लोग सुल्तानपुर में भी प्रदर्शन करने का काम करेंगे और लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन करेंगे कि CBI जांच हो, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। और आंदोलन के अगले क्रम में नई दिल्ली जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन करके हम लोग CBI जांच कराकर रहेंगे, उच्च स्तरीय जांच कराकर रहेंगे। जरूरत पड़ेगा तो इसके लिए ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह हम लोग इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग अपने संवैधानिक बातों को आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं। और आपके साथ ही यह भी अपील करना चाहते हैं कि संतोष कुमार गोंड जी एक अधिशासी अभियंता थे और ये अभियंता संवर्ग उनको भी इस बात को उठाना चाहिए। सिर्फ शोक संवेदना व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा, ये इंजीनियर एसोसिएशन को भी सड़क पर उतरना होगा और संतोष कुमार जी के परिजनों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। धन्यवाद। आप अपना परिचय देते हुए क्या मेरा नाम रवि कुमार है। मैं इंजीनियर संतोष कुमार जी का सबसे छोटा भाई हूँ। आज हम लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं
कि हमें और हमारे परिवार को न्याय दिलाने का कार्य करें, दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दें, ताकि हमारा हमारे समाज के साथ न्याय हो सके। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं नीलेश कुमार, स्वर्गीय संतोष कुमार जी का छोटा भाई। हम लोग यहाँ न्याय मार्च निकाले हैं बलिया जंक्शन से लेके ये कलेक्टर ऑफिस तक, इसलिए कि हमारे बड़े भाई को न्याय मिल सके, उनकी आत्मा को शांति मिल सके, हमारे परिवार को सुरक्षा मिल सके, और हमारे समाज में जो हम लोग हैं गोड़ जाति, उनको हमारी बात ऊपर तक जा सके कि हम लोग अलग अलग नहीं है, हम लोग एक साथ हैं। आपने आज ज्ञापन दिया, फिर अगले क्रम में आप का क्या मुद्दे से होगा? हम लोग अगले क्रम में सुल्तानपुर में भी मार्च निकालेंगे, न्याय मार्च निकालेंगे, और सुल्तानपुर कलेक्टर ऑफिस में भी अपना ज्ञापन देंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मैं स्वर्गीय संतोष कुमार जी का छोटा भाई हूँ जी, और मेरा नाम संजय कुमार है, और जो हम यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, तो यहाँ पे माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से हम लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपा है, और इसी संबंध में हम लोग अपना सुल्तानपुर की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोगों को अपना वहाँ पे ज्ञापन और भीड़ इकट्ठा करके अपना एक विरोध प्रदर्शन करना होगा। और मैं एक आपके चैनल से ये सीबीआई जांच कराओ, जल जीवन मिशन घोटाले की जांच कराओ, जल जीवन मिशन घोटाले की जांच कराओ, आदिवासी जनजाति का उत्पीड़न नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, 5 करोड़ का मुआवजा दो, गारंटी करो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंजीनियर संतोष बॉन्ड की हत्या की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ, इंजीनियर संतोष बॉन्ड हत्याकांड की सीबीआई जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ, इंजीनियर संतोष बॉन्ड की हत्या की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।